मेरे पास बहुत सारी लेडीज़ ये कमेंट्स करती हैं कि आखिर हम ऐसा क्या करें, वो कौन सा एक तरीका है जिससे हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो देखिए, इसमें सिर्फ एक तरीके को बताऊंगी, एक चीज़ बताऊंगी इस वीडियो के अंदर जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैंने आप सभी के कहने पे अपना ब्लॉग चैनल खोल लिया है एंड उस पर मैं अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, आप सबसे बहुत सारी बातें करती हूँ। तो मैंने मेरे ब्लॉग चैनल का नाम प्राइम मॉम ब्लॉग्स है, उसके चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है एंड कमेंट सेक्शन में भी है, जाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो है आपके बच्चेदानी का मुँह खोलना। तो आपकी ये डाउट क्लियर हो गई कि हमें एक ही चीज़ करना है, वो बच्चेदानी का मुँह खोलना है। वो कैसे खुलेगा? तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, जब मैं मेरी प्रेगनेंसी में मैं अपने फर्स्ट टाइम डॉक्टर से चेकअप करवाने गई थी, तब मैंने बोला कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, जैसे आप सब मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। डॉक्टर ने एक ही चीज़ कहा, हेल्दी डाइट लो एंड जो भी ब्लड टेस्ट है वो आप चेक करवाओ टाइम टू टाइम, और अच्छे से खान पान तो हर कोई वो कहता ही है आपसे, और सबसे बड़ी चीज़ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बहुत तरह के एक्सरसाइज होते हैं वो आपको नहीं पता है, तो आप दो तीन एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो मैटर करती है टहलना। आपको अपनी प्रेगनेंसी के चौथे पाँचवें या छठे महीने से टहलना स्टार्ट करना चाहिए। सुबह शाम 10-15 मिनट आप टहले, जब तक आपका बॉडी रिलैक्स रहे वैसे टहल सकते हैं। और एक्सरसाइज की मैं बात करूं तो आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप उखड़ू बैठ सकती हैं, तो ये सारे कुछ एक्सरसाइज होते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने ये कहा था, फाइनली मैं बता दूं कि जब आपका 8 या 9 मंथ में आप अल्ट्रासाउंड करवाना, उस टाइम अगर आपका बेबी ड्रॉपिंग हो गया, यानी कि बच्चे का सर नीचे और पैर ऊपर इस शेप में बच्चा आ गया, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आपके बच्चे का सर नीचे पैर ऊपर इस पोजीशन में बच्चा आ चुका है, इसके बाद भी एक चीज़ मैटर करती है, वो है बच्चेदानी का मुंह खुलना। तो बच्चेदानी का मुंह तभी खुलेगा जब आप उखड़ू बैठना स्टार्ट करोगे, या फिर टहलते रहोगे, या फिर बटरफ्लाई एक्सरसाइज, ये सब कुछ इंक्लूड कीजिए। और साथ साथ में सबसे ज़्यादा हेल्प होता है एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, जैसे मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको, ऐसे करके, जैसे एक तो होता है कि सांस लेना, एक होता है सांस छोड़ना, तो मैंने दोनों चीज़ को किया। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज आपको सांस छोड़ने वाला करना है, जैसे ऐसे वाला, अब आप समझ गई होंगी कि सांस बाहर निकालने वाले एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि उस टाइम आपको बेबी को पुश करना रहता है। तो आप ये चीज़ क्लियरली समझ गई। तो दो तीन चीज़ें मैटर होती हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलना चाहिए, बेबी ड्रॉपिंग होना चाहिए, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप एक्टिव रहेंगी, जब आप एक्सरसाइज करते रहेंगी। मैं अपनी बात बताऊं, 8वें से 9वें महीने के बीच में मैं दिन में 3 बार टहलती थी, सुबह शाम टहलती थी, फिर दोपहर में जब भी लंच किया थोड़ी देर 5-10 मिनट टहलते रहना चाहिए। ऐसे आप, मुझे नहीं पता आप अपने नेचर से कैसे हो, लेजी हो या फिर ज़्यादा फास्ट चलते हो, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको एक्टिव होना ही चाहिए, बाद में फिर आप जैसे रह लो, लेकिन एक प्रेगनेंसी में एक्टिव जो वर्ड है ना, तो मैंने बोला सिर्फ एक तरीके जिससे नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो तरीका है एक्टिव, वो वर्ड है एक्टिव रहना। तो आप पूरी तरह से एक्टिव रहिए, माइंड से पूरी तरह से स्ट्रांग रहिए और माइंड को सेट रखिए, देन फाइनली जो आपकी डिलीवरी हो जाएगी वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर बेबी ड्रॉप हो चुका है, बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है, वो खुलने के तरीके मैंने बता दिया, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते हुए मेरे जो ब्लॉग चैनल है उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे कमेंट्स कर देना कौन से टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।